अच्छा नहीं ना वो आप क्लियर थोड़ा सा नहीं, मैं बाद में क्लियर <laughs> अच्छा, आप इंतजार करें क्लियर <laughs> करने का मायरा खान शी आई एम करेंटलीयर इन टच सो पीपल एंड अ लॉट ऑफ लव देयर वी आर इजी टारगेट्स टारगेट्स वेदर पाकिस्तान अब uh, देखिए हमारे व्यूअर्स को भी हम ये कहते रहते हैं कि ये बॉर्डर शॉडर हम नहीं मानते इस मामले में आर्ट्स के मामले में अब इंडियन मूवीज़ को पाकिस्तान में रिलीज़ होना चाहिए पाकिस्तानी मूवीज़ को इंडिया में रिलीज़ होना चाहिए कल्चरल जो एक्सचेंजेस uh, हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए अभी भी हम पंजाबी मूवीज़ बना रहे हैं मिलकर वो कोई कनाडा जाके बनाता है कोई इंग्लैंड में बनाता है कोई अब दुबई में कर रहा है सो इट्स ऑल गुड वो वो हमें होना चाहिए सो so, यू you नो know, ये रियलिटी है कि माहरा ख़ान जो बात कर रही है कि वो बिकॉज यू नो पॉलिटिक्स इतनी इन्वॉल्व है वा उसकी वजह से फिर वो कनेक्शन नहीं हो पाता या वो अभी काम नहीं हो पाता एंड इट सीम्स के मायरा ख़ान जो है वो इसको डर डर के छुप छुप के मैसेजिंग और कॉल्स करती होंगी कि कहीं मुझे कोई देख न ले किसी को पता ना चल जाए कि मेरा इसके साथ रबिक माइडल कि जी ये तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ इसने तल्ल रखे हुए हैं तो वो ताल्लुक नहीं होने चाहिए मतलब तो ये सिचुएशन है विच इज़ वेरी सैड आई थिंक यार ये जो माहिरा खान है आतिफ़ असलम है फवाद खान है ये डायरेक्ट अफेक्टिज़ हैं इस चीज़ के कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जो फिल्म जो है ना वो अलग अलग जो इन्होंने मतलब फिल्म चल रही हैं आर्टिस्ट ने जा रहे हैं तो ये बहुत इफेक्टेड हैं तो इनको बहुत पेन होती है इस बात की क्योंकि माहिरा खान भी जा रही थी वहाँ पर फिल्म कर रही थी फवाद खान भी कर रहा था आतिफ असलम के गाने चल रहे थे राहत के चल रहे थे लेकिन अब उनकी बहुत सारा जो मेजर उनका जो इनकम का चंक है या उनके जो मेजर ऑडियंस है वो नहीं उसको अप्रोच कर पा रहे हैं तो इसलिए बड़ा बेचारे तंग हैं ये और ये पॉलिटिक्स की वजह से सारे तो मेरा हाल है कि राइटफुली हैं मतलब ठीक बेचारे तंग हो रहे हैंज है। uh, मैं तो हमेशा से सैद नूर वगैरह जब इस तरह की बातें करते थे कि जी इंडियन फिल्म यहाँ पर लगती है ये तो नहीं कर सकते शान इस तरह की बातें करते थे अब ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ कमाया है मतलब शान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है सैयद नूर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर था और ये लोग ये बात कर रहे हैं कि जी हम कम्पीट नहीं कर सकते द थिंग इज़ कि इनको एक चीज़ आती थी और ये अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते थे तो बिलाल आशारी आया या अजब गुल ने कुछ फिल्म बनाई या जावेद शेख ने फिल्म बनाई और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा शुैब मंसूर ने फिल्म बनाई दो तीन तो बहुत अच्छी चली बोल बहुत अच्छी चली सेम गोज़ विद खुदा के लिए एंड शुैब मंसूर में हाँ लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो आई थिंक दिस आर रेलैक्स ऑफ द पास्ट इज़ इसके जो चीज़ें हैं ना वो बहुत तब्दील हो गई हैं अगर ये अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो फिर वही वाली बात निकलेगी कि यश चोपड़ा जी जो हैं वो उन्होंने कई साल तक मूवीज नहीं बनाई बट अगेन इट इन इंडस्ट्री है यशराज बैनर आदित्य चोपड़ा के उन्होंने हवाले किया और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आहिस्ता और फिर उन्होंने वो वो तो 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 ये नहीं, लोग जो जो है पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी इंडस्ट्री छोटी है हम हमारे पास ज्यादा है गेन करने के लिए अगर पाकिस्तान के अंदर इंडियन फिल्म अग्री है उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ज़्यादा है इंडियन फिल्म से कम इंडियन फिल्म को फ़ायदा कम है उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केट है लेकिन अगर हमारी मुल्क में उनकी फिल्म्स लग रही होंगी यहाँ सिनेमा गोइंग कल्चर होगा यहाँ पर लोग घरों से निकलेंगे सिनेमाज़ अच्छे होंगे देखने के काबिल होंगे बैठने के काबिल होंगे वहाँ पर आके मतलब पहले जो है वो मज़दूर उतार के अपनी कमीज़ जो है वो पसीनों से भरी हुई आगे अगली वाली सीट पर रख के इधर वाली सीट के ऊपर जो है वो अपनी लात नहीं रखेगा और फिर उसके बाद जो है वो बनियान में बैठ के और फिर वो की एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ वाट इज़ स्पेंडिंग ऑन तो वो पूरे दिन की जो दिहाड़ी कर आया वो वो और अगर आपने फैमिलीज को लेकर आने ये अली तो ने जो अभी आपको ही किया ना सिनेमा का सीन ऐसा नहीं है

मतलब करोड़ फिल्में तो ऐसी जिसमें हीरोइन गाना गाते हुए उसका मुंह ही नहीं नजर आता था। अच्छा करोड़ <laughs> की की मार्केट है पाकिस्तान तो इंडिया की मूवीज अगर यहाँ चलती है ना तो उनको बेनिफिट है शाहरुख सुनो तो सही शाहरुख जो है हमारे जो मॉर्निंग शोज और बाकी शोज के होस्ट शाहरुख बिकॉज उनको इंटरेस्ट था कि पैंतीस चालीस करोड़ हमने सिक्योर करना है और फिर सैफ़ की एक मूवी आई जिसमें कि वो कोई एजेंट बने हुए थे वो फिल्म नहीं पाकिस्तान में चल पाई वो बैन हुई तो सैफ को बड़ा उसका एक वो था धचका था कि यार मतलब किसी भी प्रोड्यूसर के लिए पैंतीस चालीस करोड़ इज़ अूज अमाउंट तो वो नहीं हुआ था तो ये एक, एक, एक छोटी है लेकिन वो बड़ी हो सकती है जो अली कह रहा है कि वो अगर आप नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा मैं कहीं ये भी नहीं कह रहा कहीं भी ये नहीं कह रहा कि इंडियन फिल्म को फ़ायदा नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि उनके फिल्म पाकिस्तान में लगने का फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा है हमारी इंडस्ट्री में और इसको इस तरह से आप देखें आ, मैं मुंडा बिगड़ा जाए देखने गया अपनी फैमिली के साथ उनके पास इतनी टिकट्स टिकट्स नहीं थी ये नाइन्टी फाइव की बात है नाइनटीन नाइन्टी फोर में जीवा लगी थी ठीक है तो जीवा जो है वो अपने टाइम में चली थी अच्छी चली थी लेकिन मुंडा बिगड़ी जाए जो है वो गुल गुलस्ता, गुलिस्तान में लगी हुई थी और उसके बिल्कुल साथ शबिस्तान था वहाँ पर जीवा उन्होंने दोबारा लगा दी सेकेंड रन में लगा दी वट हैपन्ड इज़ दैट वेन आई वेंट टू वॉच मुंडा बिगड़ी जाए विद माई फैमिली ऑब्वियसली आई सेवन और एट तो उस टाइम पर वो जो फिल्म थी वो आ, हमें टिकटें नहीं मिली पूरी नहीं मिल सकी क्योंकि खिड़की तोड़ रश था नजर कुछ नहीं आ रहा था बंदे पे बंदा चढ़ा जा रहा था तो उन्होंने डिसाइड किया मेरे बड़ों ने कि जीवा देख लेते हैं अब घर से निकले हैं तो जीवा तो देख लेते हैं ना तो जीवा देखने के लिए चले गए जीवा डिड अर्न मोर मनी इन द सेकेंड रन देन इट डिड इन इन इट्स फर्स्ट बिकॉज मुंडा बिगड़ा जाए और दूसरी मूवीज़ जो थीं उनका जो फॉल आउट इफ़ेक्ट है मतलब कि, कि यहाँ पर टिकट नहीं मिली है तो हम जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं वो यहाँ चले जाएंगे तो उसकी वजह से जब आपका सिनेमा गोइंग कल्चर बनता है ना आप फिल्म देखने गए हो प्रेम रतन धनबायो लेकिन वो आपको वहाँ पर टिकट नहीं मिला तो साथ एक और फिल्म लगी हुई है पाकिस्तानी और बहुत दफ़ा बहुत अच्छी फिल्म होती है जिसको उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं हुई हुई या जो भी रीज़न हो और उसकी वजह से आपकी सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं लेकिन मुझे एक बात लगती है कि ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए